फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं और साथ साथ बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसमें ना तो खोवा की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, बस आप सूजी से बना सकते हैं इस लड्डू को। और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है, साथ में हेल्दी भी है और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है ये सूजी के लड्डू, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, pushpalatakitchen15 है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप सूजी। 2 कप आप चाहे लें, चाहे बाउल से, किस जिससे भी नाप लें आप, उस हिसाब से आप इसमें फिर मैंने बाउल का यूज़ किया है तो 1 बाउल हम मिल्क लेंगे। मिल्क को नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, न गर्म न ठंडा। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के हमको इसको अच्छे से मिला लेना है। तो एक साथ मिल्क हम नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अंदाज से डालेंगे तो परफेक्ट बनेगा। तो मैं पहले थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालती जाती हूँ और मिलाती जाती हूँ। जब ये अच्छे से एक डो फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम इसको कवर करके रख देंगे। तो अभी देख सकते हैं आप, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो लगभग इसमें 1 बाउल मिल्क लग गया है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह का हमको इसको रखना है, इतना सॉफ्ट रखना है और बहुत टाइट नहीं रखना है, क्योंकि ये फूलता है तो इसलिए हमें थोड़ा सा लूज ही रखना है। उसके बाद इसको हमने 1/2 आवर के लिए रख दिया था फूलने के लिए, और अच्छे से कवर करके हमें रखना है। फिर हम इसको 1/2 आवर के बाद उठाएंगे और अच्छे से इसको मसल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से मसल लेती हूँ। फिर हमें इसके 2 पार्ट कर लेने हैं, तो 1/2 पार्ट हम लेंगे और फिर इसका हम रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कर लिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसके अच्छे से हम इसको रोल कर लेंगे और फिर हम इसको हाथ में रोल करने के बाद इसको हमको बड़ा कर लेना है इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे जो है चकला ले लेंगे और चकले के ऊपर हमें घी लगा लेना है। तो घी लगाने के बाद हमको इसको ऐसे हाथों की हेल्प से फैला लेंगे। आप चाहें तो बेलन भी चला सकते हैं, अगर आप चला सकते हैं तो, और आप हाथों से भी कर सकते हैं, बेलन से भी कर सकते हैं, जिससे आपको सूटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। तो इसको हम इसी तरह से बढ़ा लेंगे और हाथों की हेल्प से, और थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो इसको हम दबा के ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको एक बड़ी सी रोटी हमें बहुत पतली भी नहीं करनी है, बहुत मोटी भी नहीं करनी है, और थोड़ा हमें पराठे के से थोड़ा मोटा रखना है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब मैंने इसको हाथ में ले लिया है, थोड़ा हाथ से और बड़ा कर लूँगी ऐसे ठोक के। और उसके बाद हम तवा गर्म करेंगे, तवे के ऊपर हम थोड़ा घी लगा देंगे और ताकि चिकना हो जाएगा नीचे से तो अच्छा रहेगा। तो अब हम इसे तवे के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने तवे पे डाल दिया है तो एक साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने पलट दिया है, यहाँ पे हो गया था। तो और हम इसे अब ऊपर से घी लगा देंगे और उसको बीच में आप देख सकते हैं जो निशान है, वो जो हमारे पास जो भी चम्मच हो जो है उससे हम बीच में इस तरह से निशान बना देंगे। उससे क्या होगा कि रोटी अंदर तक पक जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमें अच्छा सा कुरकुरा सा सेक लेना है और फिर हम अच्छे से सिक जाने के बाद एक साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से ये सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे तवे पर से। तो ये दो चारों तरफ से मैंने अच्छे से इसको सेक लिया है। फिर यहाँ पे मैं इसको हटा लूँगी और इसी तरह से मैं दूसरा भी इस पे डाल दूँगी। दूसरे को भी हम इसी तरह से शेक लेंगे और यहाँ पे एक साइड से होने के बाद पलट लेंगे। फिर दूसरे साइड से भी घी लगा के दोनों साइड से हम इसको सेक लेंगे और यहाँ पे भी निशान हमने बना दिया है, देख सकते हैं। तो फिर निशान बना देंगे, इसके ऊपर भी घी लगा देंगे और इसी तरह से हमें दोनों रोटी तैयार कर लेनी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी दूसरी रोटी भी रेडी हो गई है और दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। और उसके बाद हम इसे रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, पूरा ठंडा नहीं होने देंगे, इतना कि हम हाथ से उसको तोड़ सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा गुनगुनी है, तो मैं इसे हाथों की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़े कर ले रही हूँ। इस तरह से हमें टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़ा करने के बाद फिर हमें इसको ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इस पूरा टुकड़ा कर लिया है दोनों रोटी का, और उसके बाद इसे हमें ग्राइंड करना है, और हमें अच्छा सा एकदम फाइन ग्राइंड करना है। अब हमने इसको मिक्सी में डाल के, और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और अभी ये थोड़ा कम लग रहा है तो एक बार मैंने और ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह का हमें ये मिल जाएगा, हमारा जो रोटी बनाया था उससे ग्राइंड करके इस तरह का। उसके बाद हम इसको एक बड़े बाउल में ले लेंगे। तो अभी इसका हम हाफ पार्ट कर लेंगे यहाँ पे, और जितना हाफ़ पार्ट होता है उतना हमें इसमें शुगर या बूरा मिलाना है। बूरा हो तो अच्छा है, नहीं तो आप चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं। अब हम सारी सामग्री लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये मैंने बूरा लिया है, और ये थोड़ा ये बूरा मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे आप पीस के भी ले सकते हैं। ये घी लिया है, ये मैंने मिल्क मेड लिया है, मिल्क मेड ये होम मेड है और इसका रेसिपी मैंने कल दिया था। और ये कोकोनट है, बुरांदा इसको बोलते हैं, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। और अब हम इसमें सारी सामग्री एक एक करके मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बूरा मिला लिया है, उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स कुछ हम डाल देंगे, कुछ गार्निश के लिए रखेंगे। बाकी ये बुरांदा मैंने डाल दिया है जो कोकोनट का मैंने लिया था। और इसके बाद इसमें हम घी मिला लेंगे, घी नॉर्मल टेम्परेचर का लेंगे, और इसमें इसको गर्म नहीं रखना है घी को। और उसके बाद फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिल जाएगा फिर हम इसका लड्डू बनाएंगे। यहाँ पे आप वो कार्डमम पाउडर भी ले सकते हैं। और तो अभी मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ, फिर मैं लड्डू बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिला लिया है, अब मैं ये लड्डू बना रही हूँ। एक लड्डू मैंने बना के रख दिया है, ये दूसरा लड्डू बना के आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप मिला के लेके हाथ में, और इस तरह से आप लड्डू बना के ऐसे रख सकते हैं। तो एक ये लड्डू मेरा दूसरा रेडी हो गया, एक और मैं बना के दिखाती हूँ। तो उसी तरह से हम लेंगे इस और ऊपर फिर से लड्डू बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने लड्डू बना लिया है, यहाँ इसको भी रख देती हूँ। तो ये लड्डू सारे हमारे इसी तरह बन के रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के सर्व कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लड्डू रेडी हो गए हैं मेरे, मैंने सर्व कर दिया है, और बहुत ही टेस्टी हेल्दी लड्डू। आप इसको बना के खाइए, बच्चों को खिलाइए, और बहुत ही हेल्दी होता है। सूजी तो वैसे भी हेल्दी होता है बहुत अधिक, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाई हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। तो चलिए मिलती हूं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।